डायमेंशंस निकालो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, डायमेंशंस फाइंड करो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के, डायमेंशंस निकालो जल्दी से। यस आपको बेटा वो फॉर्मूला पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी एम टी माइनस टू ए माइनस वन। देख के क्यों बोल रहे हो, मैंने बोला निकालो तो सॉल्व करो अभी। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, तो बी क्या हो गया बेटा एफ अपॉन क्यू इंटू वी। अब आपको डायमेंशन फाइंड कर देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के हिसाब से क्या डायमेंशन बनेंगे, एम एल टी माइनस टू चार्ज। चार्ज कैसे आता है बेटा, ए टी, अब ठीक बोली ना, चार्ज होता है ए इंटू टी बेटा, तो दिस इज ए दिस इज टी, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, एल टी माइनस वन। टी से तो टी कट गया, ये एल से एल कट गया, क्या बचा एम ए माइनस वन टी माइनस टू। वेरी इजी सॉलिनॉइड, क्या होता है सॉलिनॉइड, व्हाट डू वी कॉल ए सॉलिनॉइड, हाउ डू वी डिफाइन ए सॉलिनॉइड। हाँ बेटा सोलिनॉइड कैसे कहते हैं, आप एक वायर ले लीजिए, ठीक है, तो किसी भी सिलेंड्रिकल शेप में उसको वायर को लपेट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वायर ये क्लोजली बाउंड हो जाएगी, एक सिलेंडर बना देगी, ठीक है। तो इस तरह की शेप में जो चीज बन के आएगी उसको हम सोलिनॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वायर ली हमने, कॉपर वायर ले ली, ठीक है, और उसको वाइंड कर रहे हैं, क्लोजली वाइंड कर रहे हैं, क्लोजली वाइंड करेंगे तो छूने लग जाएगी, टच करेगी एक दूसरे को, अब टच करेगी तो जो करंट उसमें से घूम के आना चाहिए वो सीधा वैसे जंप मार के आ जाएगा, जब ऐसे जाएगी साथ साथ तो टच करेगी ना, टच करेगी तो करंट को जो घूम के आना चाहिए वो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा मतलब जो यस, तो जो कॉइल बनेगी हम क्लोजली वाइंड कर रहे हैं, साथ साथ वाइंड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकली कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी, फिजिकल कॉन्टेक्ट में होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी, जिसकी वजह से करंट को सोलिनॉइड के अंदर घूम घूम के जो आना चाहिए घूम के ना कि वो फिर सीधा पास हो जाए, ठीक है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि वायर इलेक्ट्रिकली तो इंसुलेटेड हो, बेशक फिजिकली कॉन्टेक्ट में, उसके ऊपर एक इंसुलेशन का लेयर चढ़ा रहना चाहिए, ठीक है। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब अभी ऐसे इसको खोल देंगे तो दूर दूर होंगे इसकी सारी बाइंडिंग्स, ऑल दीज बाइंडिंग्स आर अपार्ट, डिस्टेंट अपार्ट, तो ये फिजिकल कॉन्टेक्ट में भी नहीं है और इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में भी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, ठीक है, मगर जब हम मल्टी टर्न हम कॉइल बनाते हैं, सोलिनॉइड बनाते हैं, इसमें हम बहुत सारी लेयर्स अगर चढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, ऐसे सटके आने लग जाएंगी, सटके आने लगेंगी तो आपस में ये फिजिकल कॉन्टेक्ट में भी आ गई, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में भी आ गई, ठीक है। तो ये फिजिकल कॉन्टेक्ट में भी है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में भी है, ऐसा ना हो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस वायर के ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा देंगे, इसके ऊपर एक थिन इंसुलेशन चढ़ा देंगे, वी पेंट दिस वायर, पेंट कर देते हैं, ठीक है, इंसुलेशन पेस्ट बना के इसको कोट कर देते हैं, उसको एक थिन कोट आ जाता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये अब फिजिकल कॉन्टेक्ट में तो आ रही है, आपस में इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में नहीं होगी क्योंकि बीच में इंसुलेशन है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसी जो थिन कोटेड वायर्स होती है उनको हम लैमिनेटेड वायर्स कहते हैं, लैमिनाइज थिन लेयर, तो लैमिनेटेड वायर्स होती है, तो जितनी भी मोटर वाइंडिंग होती है आप देखा कितनी कॉइल होती है मोटर के अंदर भरी हुई, वो सारी लैमिनेटेड वायर्स होती है, ठीक है। तो वी यूज कॉपर वायर्स बट दे आर लैमिनेटेड वंस, उसमें पेंट चढ़ा होता है, ठीक है। तो आपस में जब इकट्ठी वाइंडिंग बनाते हैं सारी फिजिकल कॉन्टेक्ट में तो रहती है मगर इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में नहीं रहती है, तो करंट उसमें से घूम घूम के ही आता और उसका उसी का इफेक्ट हमें चाहिए वहां पे, ठीक है। अब इसको ऐसे वाइंड करेंगे क्लोजली, ठीक है, तो ये फिजिकल कॉन्टेक्ट में चलती चली जाएगी। ओके समझ में आई, सो हाउ डू वी डिफाइन ए सोलिनॉइड, सोलिनॉइड की डेफिनेशन कैसे देंगे, अ सोलिनॉइड
is a closely wound laminated conducting wire in the form of a cylinder. इस टर्म वायर लपेट देते हैं, ये जो भी शेप बनकर आएगी इसकी सोलेनोइड कहलाएगी. अब सोलेनोइड में दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स वी हैव वाउंड ओवर दिस एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड एल. सोलेनोइड के कितनी लेंथ में कितने टर्न्स रोटेट किए गए. ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, लीनियर टर्न डेंसिटी. लीनियर टर्न डेंसिटी एंड इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट दिस बाय स्मॉल एन. तो लीनियर टर्न डेंसिटी इन ए सोलेनोइड इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. राइट, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, दिस इज एन. The total L length is L. So this ratio N by L gives us linear turns density. So linear turn density के units क्या होंगे? Meter inverse. Per meter नहीं बोलते, meter inverse. हाँ. Dimension क्या होंगे? ठीक है, देखो question देखो. A solenoid is made of 200 turns wound over a length of 25 centimeters. ठीक है, क्या लिखा? A solenoid is made of 200 turns wound over a length of 25 turns. So what is n beta here? 200 turns wound over a length of 25 centimeters. So how much is n? Kitna beta? 800 per meter. So aapko 800 use karna hai. 200 or 25 use nahi karna. ठीक है, सोलेनोइड के कॉन्टेक्स्ट में जहां पे भी हमें नंबर ऑफ टर्न्स यूज करने हैं तो वहां पे हम टर्न्स डेंसिटी यूज करनी होती है. ठीक है, इसका ध्यान रखना आप. ओके, चलें आगे. तो हमने अभी बोला इट इज क्लोजली बाउंड. कैसी बाउंड है? क्लोजली बाउंड, सारी वायर्स आपस में कॉन्टेक्ट में. ठीक है, अब ये इस प्रकार से सिलेंडर की फॉर्म में टर्न्ड है और मैं इसको बीच में से काट देता हूं. इसे क्या किया बेटा, बीच में से कट कर दिया इसको. तो बीच में से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर भी कटी हुई तार मिलेगी, नीचे भी कटी हुई तार मिलेगी. तो टर्न ऐसे आ रही थी, वो ऊपर से भी कटी नीचे से भी कटी, तो उसके कट एंड मुझे ऊपर नीचे दोनों तरफ से दिखाई देंगे. क्या बात समझ में आ रही? तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास सोलेनोइड है. अभी इनिशियली हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो वाइंडिंग है वो दूर दूर, उसमें स्पेस है बीच में. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि दूर दूर हमारे पास जो वायर के सिरे ये कटे हुए हैं, सामने से वायर गई घूम के आई, फिर सामने इधर गई, फिर घूम के आई, फिर इधर गई घूम के आई, इधर गई घूम के आई, इधर सब पीछे से नीचे चली. ठीक है, हमने करंट भेजा यहां से, इधर से करंट हमने भेजा इस वायर के अंदर, तो यहाँ पे करंट कैसे जाता हुआ दिखेगा, करंट इसमें जाता हुआ दिखेगा जिससे हम इसको क्रॉस मार्क करते हैं, यहाँ से आता हुआ करंट दिखेगा जिससे इसको डॉट मार्क. सुन आ रही? फिर इधर से जाएगा तो इसको हम क्रॉस मार्क करते हैं, इधर से आ रहा होगा तो डॉट, तो ऊपर वाले सारे क्रॉस हो गए, नीचे वाले सारे डॉट. ये बात समझ में आ रही? ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब यहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी? हाँ जी बेटा जी, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कैसी बनेंगी, क्लॉकवाइज बनेंगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी? क्लॉकवाइज सर. है बेटा क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे बनेगी ना, ये इधर पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा. दोबारा सोचो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ ऐसे, तो ये इस प्रकार से बनेगी. ठीक है, इधर से नीचे, इधर से
ये इधर से नीचे इधर से ऊपर, ठीक है ये समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई। अब एक एक लाइन थोड़ी बनेगी, लाइन तो और भी बनेगी, लाइन तो बहुत सारी बनती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे सारे, टच नहीं होने चाहिए, ध्यान देना है, यहाँ तक भी ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन बनेगी, जो इसकी लाइन जनरेट हो रही है वो इधर आते आते इसकी लाइन से मीट कर जाएगी, और इधर आते आते इसकी लाइन से मीट कर जाएगी, तो इनको मीट करती हुई आएगी लाइन। तभी समझ में आ रही, इधर आते आते इसकी भी लाइन मिलेंगी दोनों, वहां पर रिजल्टेंट बन रहा होगा, तो ये आगे कंटिन्यू कर जाएगी, इसे बीच में नहीं घुसेगी, क्योंकि बीच में तो ये वाली लाइन अपोजिट आ रही है, कैंसिलिंग इफेक्ट आएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वो कैसी होगी, वो और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। ये कहाँ होता है, इनके बहुत क्लोज होता है, दिस हैपेंस वेरी क्लोज टू दी वाइंडिंग, ठीक है। ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ क्या होगा, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, ये बनाओ साथ, अब ड्रॉ करना शुरू करो, आप भी ड्रॉ कर लो बेटा साथ के साथ, और सेम चीज पर यहाँ भी होगी। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, वो एक ही डायरेक्शन में आती है। राज समझ में आया बेटा, ठीक है। मगर हकीकत में क्या होता है, वाइंडिंग्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, क्लोजली बाउंड होती हैं एक तो, ठीक है, ऊपर से और ऊपर भी लेयर चढ़ी होती है, फिर एक और लेयर चढ़ी होती है, तो मल्टी टर्न होती है, मल्टी लेयर होती है, तो बीच में स्पेस तो होता ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है, बीच में स्पेस नहीं होता है, वाइंडिंग के ऊपर वाइंडिंग चढ़ी होती है, ठीक है। अगर स्पेस होगा भी तो ऊपर वाली वाइंडिंग घुस जाएगी, तो देयर इज नो स्पेस बिटवीन दी वाइंडिंग, ये ट्रू, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्पेस छोड़ा था, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये पूरा इसमें घूम रही थी, घूम पा रही थी, नीचे भी घूम पा रही थी, तो इस केस में अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसके बाहर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल रही है, ये बात समझ में, ठीक है। अब जो ट्रुथ है उसके ऊपर जाते हैं, वहां पे कैसे होता है, इसको मैं रेप कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाइंडिंग्स होती हैं, क्लोजली बाउंड होती हैं, और आपस में इंसुलेटेड होती हैं, तो फिजिकल कॉन्टेक्ट में तो है ये, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट में नहीं, ये बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से अब करंट अंदर जा रहा है, और लोअर साइड से ये डॉट्स, ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी बनाई है, बहुत सारी होती है। अब यहाँ पे कैसे, किस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी, बाहर आते हुए करंट की वजह से, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो जो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से वो बनेगी लाइन, वो इधर आएगी, उसको जाने को तो जगह ही नहीं है, तो इसको कंटिन्यू कर जाएगी, इसको कंटिन्यू कर जाएगी, और जब बाहर आएगी तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, तो बाहर ये खुलकर आएगी, अब फैलने को जगह मिल रही है, फैल कर आएगी, लाइन होती है तो चिपक के आती है, ठीक है। अब इसको फैलने को जगह मिल रही तो फैल के आती है, ठीक है, सेम चीज ऊपर होगी, और इसकी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो और स्मूथ होगी, और वो और ज्यादा फैल के आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर सारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, इस पॉइंट क्लियर, सेम चीज ऊपर की तरफ होगी, फिर जो सक्सेसिव लाइन होगी इसकी और स्मूथ हो जाएगी। सो दैट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी गेट इन ए क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के अंदर जो है आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है, सबकी डायरेक्शन सेम है, सबकी डायरेक्शन सेम है। अब जब किनारे पे लाइनें आती हैं तो उनको फैलने की जगह मिल रही है, उनकी टेंडेंसी फैलने की, ठीक है, तो हम यहाँ किनारे से थोड़ा सा ये छोड़ के चलते हैं, यहाँ पे इनकी टेंडेंसी फैलने की, तो यहाँ पे लाइनें पैरेलल नहीं होती, ठीक है, ऐसे यहाँ से भी हम थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं, ठीक है। तो इसकी इफेक्टिव लेंथ है ना, फिर हम यहाँ से यहाँ तक ही मानते हैं जिसके अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, इसको कभी कभी एंड करेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। जैसे मैंने आपको बोला था 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 25 सेंटीमीटर,
अगर 25 सेंटीमीटर की लेंथ में आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना है, फिर हम वो डायमीटर लेते हैं, ठीक है, डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस छोड़ के चलते हैं, हाफ रेडियस यहाँ पे, हाफ रेडियस यहाँ पे, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ हमें मिल जाती है। तो एंड करेक्शन में आपको यही बताना है, दी टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दी एंड इज टू स्प्रेड, देयरफॉर दे लूज देयर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, एंड देयरफॉर वी डोंट कंसिडर द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड टू बी गिविंग अस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन, एंड दिस एंड लेंथ ऑफ एंड विच वी लीव इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है, एंड ऑफ द रेडियस ये डायमीटर है ना, तो रेडियस ये हो गया, हाँ, इसका आधा कर दो और यहाँ से आधा लेंथ छोड़ दो, मतलब अरे इसका ये सिलेंडर है, इसका रेडियस होगा, रेडियस का आधा कर दो और यहाँ से ये लेंथ छोड़ दो, यहाँ से भी लेंथ छोड़ दो, रेडियस का आधा, हाफ ऑफ रेडियस, तो जब हम ये लेंथ छोड़ के चलते हैं तो अंदर हमें इफेक्टिव लेंथ इसकी जो मिलती है, इसके अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो सोलिनॉइड के तुरंत बाहर, देखो यहाँ पे सोलिनॉइड के तुरंत बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, इसके इमीडिएट आउट यू विल फाइंड नो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब फैल फैल के दूर दूर से आ रही है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कंसंट्रेट हो रहा है, इसके अंदर कंसंट्रेट हो रहा है, एंड दैट लेंथ इज गिविंग अस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलिनॉइड की अगर लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्म लेंथ है ये भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह जाएगा, ओके, देयरफॉर फॉर अ सोलिनॉइड टू बी अ गुड सोलिनॉइड इट शुड बी मच मच लॉन्गर एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, डायमीटर और रेडियस, पर अगर लेंथ छोटी हो जाएगी तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं रहेगी? अरे जब यहां से भी छोड़ेगी, यहां से भी छोड़ेगी, बीच में क्या बचेगा छोटी लेंथ में, ठीक है, इसलिए तो एक अच्छी सोलेनोइड किसको कहते हैं, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, उसके डायमीटर के कंपैरिजन में इफ लेंथ इज लॉन्गर इट इज सेड टू बी अ गुड सोलेनोइड बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्वाइट लेंथ ऑफ इट्स स्पेस। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये होगा कितना, वट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनसाइड द सोलेनोइड, तो कैसे निकालेंगे इसको, नाउ वी अप्लाई हेयर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर बीच में सीधी आ रही है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं, मैं एक ऐसा लूप बना लेता हूँ यहाँ पे, ये चीज समझ में आ रही है, इस लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, इस लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इस लेंथ पे भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्लियर होता है ये, तो इस प्रकार से हम लूप सिलेक्ट करते हैं आइदर दिस साइड और दिस साइड, किसी भी एक जगह कर सकते, नाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, टू फाइंड द इनसाइड ए सोलेनोइड, ड्रॉ करते जाओ बेटा साथ ही साथ, नाउ यू नो व्हाट इज टू बी ड्रॉन, बना लिया बेटा राज, आपने बना लिया बेटा, आरती श्वेता बना लिया आपने, चलें आगे, जी सर, ओके बेटा, देखो कंसीडर ए सोलेनोइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एंड कैपिटल एन एंड टोटल लेंथ एल, देयरफॉर द लीनियर टर्न्स डेंसिटी ऑफ द सोलेनोइड इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एल, ठीक है, दिस इज लीनियर टर्न्स डेंसिटी, ये आ गई अपने पास। नेक्स्ट लिखो कंसीडर एन एम्पीरियन लूप पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, व्हाट डू वी वांट टू फाइंड नाउ, टू फाइंड लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आगे लिखिए, वी नो दैट ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर को एक्चुअली पैरेलल, तो
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी सारी इस प्रकार से, तीन चार लाइन बनाना ज्यादा ठीक है। आगे लिखिए टू कंप्यूट द लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लूप पी क्यू आर एस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब लूप नहीं लगा रहा हूं, पी से क्यू तक बी डॉट डी एल प्लस क्यू से आर तक प्लस आर से एस तक बी डॉट डी एल प्लस एस से पी तक बी डॉट डी एल, कर सकते हैं ना ये। तो अब एक एक करके ले लेते हैं, मान लो ये इसको लेते हैं पी टू क्यू बी डॉट डी एल, देखो कंसीडर इंटीग्रल पी टू क्यू बी डॉट डी एल, एरो लगा लो इसको ठीक है। आगे लिखो ओवर दिस लेंथ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू डी एल एंड यूनिफॉर्म ऑल लाइंस बीइंग पैरेलल, यूनिफॉर्म ऑल लाइंस बीइंग पैरेलल ठीक है। तो अब इस इंटीग्रल में एक तो डॉट क्या हो गया, ये डॉट विल कन्वर्ट टू कॉस थीटा एंड दैट थीटा इज जीरो पैरेलल में, कॉस जीरो क्या होता है बेटा वन, तो पहला तो इसमें ये हो जाएगा ये सिंपल बी डी एल में चेंज हो जाएगा पी से क्यू तक के लिए ठीक है। अब पूरे डी एल के अलाउ बी क्या था, कॉन्स्टेंट था, इसलिए बी को इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा पी टू क्यू डी एल ठीक है। और पी से क्यू तक की लेंथ, इधर देखो ध्यान से, पी से क्यू तक की लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर है, इस लेंथ को हमने एल लिया है ना यहाँ पे, ये एल के बराबर, सो दिस विल बिकम बी एल, क्लियर हुआ बेटा ये। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट इंटीग्रल, नेक्स्ट इंटीग्रल क्या है हमारा टू टू आर। हाँ बेटा राज पूछो, क्या पूछ रहे हो, क्या रिवाइज कर दे ये बेटा, अभी मैंने ये बोला है कि अंदर जो है बी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो पी क्यू लेंथ है ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो बी डी एल जो वेक्टर्स हैं ये बी डी एल कॉस थीटा हो जाता है, थीटा जीरो है इसलिए कॉस जीरो वन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कॉस जीरो नहीं लिखा हमने, खाली बी और डी एल लिखा। फिर अंदर सारी लाइनें पैरेलल हैं, यूनिफॉर्म है ठीक है, यूनिफॉर्म होने की वजह से बी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रल में इसका काम नहीं, कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर ले लेते ठीक है, तो इंटीग्रल में रहेगा डी एल, डी एल कहाँ से कहाँ तक है, यह पी से क्यू तक है, पी से क्यू तक, और पी से क्यू तक की लेंथ को हमने क्या मार्क किया है एल, इसलिए इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है ये आएगा एल ठीक है। बस okay. यही एक इंटीग्रल है जो आपको ध्यान से देखना, बाकी सब में रिजल्ट जीरो रहने वाला है, वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाऊंगा। यहाँ पे देखें कंसीडर, फिर देखो सेकंड इंटीग्रल क्यू टू आर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, इसका रीजन देंगे बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल और बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे जीरो है, तो परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90 की वजह से जीरो रहेगा और बी यहाँ पे जीरो है तो वैसे भी जीरो रहेगा, बाहर जीरो है और उस यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये तो परपेंडिकुलर है तो बी डॉट डी एल तब भी जीरो होगा, बाहर भी जीरो है इसलिए तब भी जीरो होगा ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल हमारा जीरो ही रहने वाला है। अब थर्ड के साथ भी सेम सिचुएशन है ठीक है, सिमिलरली थर्ड कौन सा केस है, आर टू एस, ये मिटा दूं, आर टू एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज बी इज जीरो, बी इज जीरो आउटसाइड दिस सोलेनोइड, बिकॉज बी इज जीरो इमीडिएट आउटसाइड दी सोलिनोइड, ये रिजल्ट जीरो है। और चौथा क्या होगा, एस टू पी बी डॉट डी एल दिस इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि यहाँ पे बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल और बी इज जीरो, दोनों केस है
यहाँ से यहाँ तक बी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक बी परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्ट इन तीनों का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया? तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी सी दैट लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल। आर टू एस बी है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है एसीएल लगाने के लिए? हमें अब चाहिए आई नेट, नेट करंट चाहिए। तो नेट करंट जो लूप के अंदर से पास हो रहा है, नेट करंट जो लूप के अंदर से पास हो रहा है। अब सवाल आता है कि लूप के अंदर से कितने टर्न्स पास हो रहे हैं? एक टर्न में से तो आई करंट जा रहा है, मगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने जो उस लूप के अंदर से जा रहे हैं वो पता करना है। तो आई ही जाएगा, तो उतने बार आई हो जाएगा ना फिर। अगर 10 बार जा रहा है तो 10 टाइम्स आई हो गया, एक बार आई गया फिर दूसरे से भी आई गया तो 2 आई हो गया। अगर वहां पे 10 टर्न है तो 10 टाइम्स आई हो गया। ठीक है, अगर वहां पे के टर्न्स है टोटल तो के टाइम्स आई हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, आगे लिखो, लेट द करंट थ्रू द सोलेनोइड इज आई। ठीक है, आई क्या है? करंट थ्रू द सोलेनोइड, करंट थ्रू सोलेनोइड। ठीक है, और ये टर्न्स कितने हैं? ये यहां से यहां तक के टर्न्स, एंड लेट के बी द नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू द लूप। ठीक है, तो हाउ मच इज के, हाउ मच इज के कितना होगा? ठीक है, वन होगा सर। नहीं बेटा, के इज इक्वल टू एन टाइम्स एल, टर्न्स डेंसिटी इनटू लेंथ। अगर एक सेंटीमीटर में 10 है तो 5 में कितने होंगे? एक सेंटीमीटर में 10 टर्न है तो 5 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम टर्न्स डेंसिटी को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट गिव्स मी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ए सेंटीमीटर में 10 है, मतलब 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो n सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? तो n से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो इसलिए टर्न्स डेंसिटी लिया है, हमारे पास टर्न्स डेंसिटी इन मीटर्स है। अब मीटर में जो भी लेंथ है हमारे इस लूप की, हम वो लेंथ ले लेते हैं, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो n इंटू l गिव्स मी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू द लूप, देयरफॉर आई नेट इज इक्वल टू k टाइम्स I और N L I। अब देखो, हमने B भी निकाल लिया, लूप भी निकाल लिया, लूप इंटीग्रल निकाल लिया, हमने I नेट निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन ACL। ठीक है, आगे लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन ACL वी हैव P डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट। ये हो गया BL, म्यू नॉट आई नेट कितना एन एल आई। तो दोनों तरफ से एल कैंसिल हो रहा है, एल हटा दीजिए, क्या बचा बेटा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा रिजल्ट है ये, बहुत यूज होता है, ध्यान रख। ठीक है, समझ में आ गया? लिखो सवाल, लिखो जल्दी से। कंसिडर ए सोलेनोइड मेड अप ऑफ 500 टर्न्स over a length of 20 centimeters। ठीक है, if, आगे लिखिए, if 100 milliampere current is passed through this solenoid, what magnetic field is obtained at the center of the solenoid? ये नोट पता है आपको क्या लेना है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलियन। करो बेटा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। अब इसमें मीटर में लेना है। ऑफ कोर्स 20 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट, यू हैव टू वर्क इन ऐसा यूनिट। किसी का ढूंढ रहे हो आप?
क्यों 4π × 10⁻⁷ याद क्यों नहीं है? पाई की फॉर्म में निकाल लो, पाई की फॉर्म में निकाल लो, 10⁻⁶ आ रहा है, 10⁻⁶ ओके क्या आया बेटा? मयूरी आरती श्वेता आया बेटा आपका? बेटा कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो मेरी हेल्प लो आप। पाई इंटू 10⁻⁴ तो आपका मतलब है पाई गॉस। आई कितने 0.1 एम्पियर। 4π × 10⁻⁷ बी इज इक्वल टू यू नो एन आई 4π × 10⁻⁷ एन कितना है 500 अपॉन 0.2 इंटू 0.1 250 × 4 1000 सही है। तीन घटाएंगे ना इसमें तो माइनस फोर ही आएगा। 1 टेस्ला = 10,000 ठीक है, समझ में आ गया?